नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक नया आईपीओ के बारे में। देखिए, आईपीओ इंडस्ट्री मतलब जितने सारे इंडस्ट्रीज के आईपीओ एक एक करके आ रहा है, तो उसके ऊपर मैं अलग अलग से वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। तो बहुत सारे आईपीओ है जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पे आज के दिन का जो आईपीओ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेम टू सेम इसी तरीके से एक आईपीओ कुछ दिन पहले आया था, तो उसके ऊपर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। और क्या इस कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, क्या इस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स और न्यूज के बारे में जानना है, आईपीओ के बारे में जानना है और पोर्टफोलियोज के बारे में जानना है, तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आईपीओ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए डीमेट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। तो इसलिए आप नीचे दो लिंक दिया गया है, एक एंजल वन के और दूसरा अपस्टॉक के, इस दोनों के ही लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा तरफ से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है वेनुस पाइप्स एंड ट्यूब्स। तो वेनुस पाइप्स एंड ट्यूब्स कंपनी का नाम तो अपने नाम से ही आपको पता चल जाता है, कंपनी पाइप्स के बिजनेस करते हैं, ट्यूब्स के बिजनेस करते हैं, यूट्यूब्स के भी बिजनेस करते हैं। यूट्यूब्स मतलब यूट्यूब नहीं, यूट्यूब्स, तो इसका ही बिजनेस करते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं। देखिए, मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, वेबसाइट आप पहले विजिट करना, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे, वो आईपीओ भी हो साथ ही साथ स्टॉक भी हो कुछ भी हो, तो उस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना है तो उसके वेबसाइट एक बार विजिट कर लेना, तभी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उस साइट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो क्लाइंट बेसिस है इसका, फॉर्च्यून 500 के अंदर इंडिया के इस कंपनी के नाम है, और 58 फॉर्च्यून इंडस्ट्रीज के कंपनी का रैंकिंग है, बहुत शानदार रैंकिंग है। और कंपनी का सीएजीआर 61% से कंपनी का सीएजीआर बढ़ रहा है, मतलब बहुत शानदार कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। 61% ईयर ऑफ ईयर बेसिस परफॉर्मेंस करना कोई खराब मतलब आम बात नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है तभी इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेलिब्रेटिंग जो इसका जो कैटरिंग्स है वो देखा जाए तो 9, यहाँ पे देखिए डेफ्रिशिएट सेक्टर है अलग अलग, और साथ ही साथ कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं 20 कंट्रीज में। इस सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे इस पॉइंट को लगा, क्यों लगा आप एक बार ध्यान में मतलब समझ लीजिए, आपके पास जितना ही कस्टमर होगा, आपका एक बिजनेस है जितना ज्यादा कस्टमर होगा उसका ज्यादातर रेवेन्यू आपके पास आएंगे। तो सेम टू सेम इस कंपनी का 20 कंट्रीज के साथ बिजनेस जुड़े हुए, तो मतलब एक पॉजिटिविटी है। तो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में, अभी चलो देख लेते हैं बाकी डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं, सॉरी माफी चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेनुस पाइप ट्यूब्स लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स। तो ऑब्वियसली पाइप्स दो तरीके से होते हैं, पीवीसी पाइप होते हैं मतलब जैसे प्लास्टिक पाइप, सेम टू सेम यहाँ पे स्टील का भी पाइप का बिजनेस है। तो देखिए स्टील पाइप फ्यूचर में बहुत बहुत मतलब तेजी से ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इंडिया का बहुत ज्यादा डिमांडेबल बढ़ चुके हैं स्टील पाइप्स और पीवीसी पाइप्स के ऊपर। तो कंपनी स्टील पाइप्स के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी जबरदस्त काम कर रहा है। तो कंपनी का टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ 10,800 मैट्रिक टन, तो बहुत शानदार यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ किया। और कंपनी के ऊपर जो जितने सारे कंट्रीज है, 18 कंट्रीज के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं, कंपनी एक्सपोर्ट भी करते हैं जैसे ब्राजील हो गया, यूके हो गया, इसराइल हो गया, यहाँ पे बहुत यूरोप का बहुत सारे यूनियन कंट्रीज के ऊपर भी कंपनी सेल आउट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस को फैला के रखा है। और दूसरी बात, इंटरनेशनल लेवल में कंपनी का अच्छा खासा रेपुटेशन है, अच्छा खासा रैंकिंग है, साथ ही साथ कंपनी का स्पेशलिटी है स्टील पाइप बिजनेस में। और कंपनी बता रहा है कि मल्टी फोल्ड डिमांड है इसका और प्रोडक्ट का, कस्टमर डिफरेंट टाइप का है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट का बिजनेस भी, क्वालिटी कंपनी टर्म मतलब टीम है इसका, एक्सपीरियंस और क्वालिटी टीम है। तो कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखा चुके हैं। तो अभी देखना है कंपनी का रिजल्ट, रिजल्ट मतलब कंपनी का किस तरीके से अर्निंग हो रहा है, ईयर ऑफ बेसिस, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट।
तो देखिए कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूँ, वो है कंपनी का ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। देखिए 2019 में कितना था, 2.86, 2020 में बना 3.15, और 2021 में तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया 18.04, मतलब कंपनी ने रॉकेट की तरह भाग रहा है। और साथ ही साथ ईयर ऑफ ईयर 2022 अभी तक 9 मंथ हुआ, तो इसके बेसिस से 15% कंपनी का ईपीएस बढ़ा, तो अच्छा खासा है। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी देखना चाहिए, तो 2019 में कुछ भी नहीं था, 2020 में 30 बना, 2021 में 61 बना, कितना शानदार यहाँ पे ग्रोथ हुआ आप यह भी देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो देखिए पहले तो डेप्थ नहीं था 2019 में, उसके बाद 2020 में 2.62% का डेप्थ, मतलब कुछ ज्यादा डेप्थ देखने को मिला था। उसके बाद देखेंगे उस कर्जा को बहुत अच्छे खासे से मिटा दिया, क्योंकि कंपनी का इनकम जबरदस्त हुआ, तो इसलिए कंपनी का पहले डेप्थ को मिटाया, तो इसलिए अभी 0.94% का डेप्थ है। देखिए अच्छा खासा अर्निंग होने के बाद 0.941% तक डेप्थ होना कोई खराबी नहीं है, जबरदस्त परफॉर्मेंस आप बोल सकते हैं। कंपनी का फिलहाल जो डेप्थ है वो 0.42% का डेप्थ है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो टोटल एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी का 2019 में था 791, 20 में था 1071, 2021 में बना 1375, 2022 मतलब अभी करंट सिनेरियो, चलो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ, मैं इस तीनों सालों की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो 1200, 1700 टू 3000, मतलब कितना शानदार ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी रॉकेट की तरह प्रॉफिट किया, 37 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी बना 41 करोड़ का, सॉरी 2020 में बना 41 करोड़ का, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ एक साल के अंदर। और उसके बाद देखिए कितना गुना बढ़ चुके हैं, 236, मतलब करीबन करीबन 5 गुना बढ़ चुके हैं। तो 5 गुना बढ़ना कोई आम बात नहीं है, कोई मतलब ऐसे वैसे बात नहीं कि चलो 5 गुना बढ़ गया कोई बात नहीं, इतना ग्रोथ कराना कोई भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा एफर्ट देना पड़ता है। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। अभी देख लेते हैं कंपनी का आईपीओ के टोटल साइज, तो आईपीओ का जो टोटल साइज होगा वो अराउंड 165 करोड़ का टोटल साइज है, छोटा मोटा आईपीओ साइज है, चलो कोई बात नहीं, कंपनी बीएससी एनएससी दोनों में देखने को मिलेगा। कंपनी के ऊपर टोटल जो फ्रेश इशू रहेगा, इशू साइज रहेगा 50 लाख 74,100 शेयर्स, और कंपनी का टोटली फ्रेश इशू ही किया जा रहा है, तो कंपनी का टोटली फ्रेश इशू की टोटल अमाउंट के दिया जा रहा है। अभी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, जिसका आईपीओ मतलब लिस्टिंग मतलब आईपीओ खरीदने का टाइम शुरू होगा 11 मई से, और इसका खत्म हो गया 13 मई में, मतलब खत्म हो जाएगा 13 मई, तो एक्चुअली कल से स्टार्ट होगा, तो जल्द से जल्द अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिक एलिमेंट हो जाएगा 19 मई में, और कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखिए रिफंड किया जाएगा, मतलब आपको आईपीओ नहीं मिला तो 12 मई के बाद आपको फंड रिफंड किया जाएगा। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कमेंट करते रहते हैं सर मेरा फंड नहीं आया, तो आप 2-4 दिन 5 दिन होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्रोसीड्योर है, उस प्रोसीड्योर को फॉलो करने के बाद आपका अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्रेडिट ऑफ शेयर ऑफ टू डिमांड, मतलब आपका डिमांड अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 23 मई में, और इसका लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 24 मई। तो अभी जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात होते हैं वो है इस कंपनी के ऊपर आपको जो प्राइस बैंड दिया गया है वो देखा जाए तो अराउंड आप देखेंगे 310 से 326, मतलब 300 के ऊपर है। तो मैं क्यों बता रहा था कि इस कंपनी के ऊपर लिस्टिंग गेन कैसा होगा, उससे जानने से पहले मैं देखिए कुछ दिन पहले एक आईपीओ था हरियम पाइप्स, देखिए हरियम मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स जो है वो भी स्टील आयरन कंपनी था, स्टील पाइप बनाने वाला कंपनी था, और इस कंपनी का लिस्टिंग गेन बहुत शानदार देखने को मिला। इसका मतलब अभी प्राइस बैंड दिखा देते, देखिए इसका प्राइस बैंड कितना था 140 से 153, और इसका लिस्टिंग गेन कितने में हुआ चलो वो भी दिखा देता हूँ, इसका लिस्टिंग गेन हुआ 230 में, इसका मतलब कंपनी जबरदस्त यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया। तो क्या इस कंपनी भी आपको प्रॉफिट देगा, देखिए कंपनी जबरदस्त है, कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी शानदार है, मुझे लगता है अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे जरूर होगा, अच्छा खासा यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। फिर भी देखिए इसका प्राइस बैंड के हिसाब से थोड़ा सा इशू यहाँ पे आ सकता है। और दूसरी पॉइंट, अगर मार्केट में जिस तरीके से कंटिन्यूसली रेगुलरली कंपनी मतलब डाउन हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट के ऊपर भी प्रेशर है, तो कोई भी कंपनी का आईपीओ अगर आ रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट इसी के बेसिस से देखने को मिल सकता है। अगर हाँ
इस कंपनी में अगर मतलब देखा जाए तो अच्छा खासा मतलब लिस्टिंग गेन होगा, तो स्टॉक मार्केट अगर अपट्रेंड में होगा तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या होगा ना होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी बेस्ट है, तो कंपनी का फ्यूचर आपको अच्छा खासा ग्रोथ जरूर दे सकते हैं। तो फिर भी मैं कहूंगा कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।